7, सेट 7. और आविष्कार करना ये मेरी सुपर पावर है. हाय शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं 28 वर्ष का हूँ. मैं जम्मू से हूँ. अरे वाह. और आविष्कार करने का कीड़ा, कुछ बनाने का कीड़ा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का कीड़ा मेरे अंदर बचपन से ही था और इसीलिए मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था. मैं 17 साल का था जब मैं अपने सपनों के कॉलेज IIT से रिजेक्ट हुआ था. बट मैंने उस दिन ये ठाना कि मैं एक कॉलेज के नाम को मेरे फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करने दूंगा. फास्ट फॉरवर्ड 10 साल, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ एज द फाउंडर ऑफ सेट 7 डिजाइंस, जहाँ हम करते हैं आविष्कार अनोखे, कभी ना देखे गए रोजाना इस्तेमाल के उपकरणों का. मैं अब तक 11 आविष्कार कर चुका हूँ. wow. दिन में से 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, 2 पेंडिंग पेटेंट्स हैं और जिनके और 6 के पेटेंट्स अभी फाइल करने हैं. ये सभी इन्वेंशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनका एक ही मकसद है, हमारी रोजाना जिंदगी को बेहतर बनाना. तो शख्स, क्या आपने कभी ड्रिलिंग की है? तो आप जानते होंगे कि ड्रिलिंग के समय कितनी धूल फैलती है. स्वागत कीजिए ड्रिल डस्टर का. वेलकम ड्रिल डस्टर. मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए. आप में से कितने लोग अपने सुबह की चाय या कॉफी दफ्तर जाते समय पीते हैं, और इनमें से कितनी बार आप एक डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल करते हैं? दुनिया में तकरीबन 50,000 करोड़ डिस्पोजेबल कप्स हर साल इस्तेमाल होते हैं. मैंने एक ऐसे कप का आविष्कार किया है जिसको कैरी करना इतना सरल, इतना कन्वीनियंट है कि ये आपके स्मार्टफोन के जितना आसान है. प्लीज वेलकम टूगो. सो टूगो एक पेटेंटेड फ्लैट फोल्डिंग सिलिकॉन बेस्ड कोलैप्सिबल कप है, विच कोलैप्सेस इन द शेप ऑफ अ स्मार्टफोन. ये आपकी पैंट की पॉकेट में, आपकी बैग की पॉकेट में, आपके रक्सैक की पॉकेट में बहुत ही आराम से फिट हो सकता है और इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. शार्क्स, मेरे 11 आविष्कार एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन मेरा मकसद, मेरा विजन है दुनिया को ऐसे उपकरण देना जो कि मेरे जाने के हजारों सालों बाद भी हर एक जिंदगी, हर एक घर का हिस्सा होने की क्षमता रखते हूँ. शार्क्स, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं सीख कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट 47 लाख की, 10% मेरी कंपनी के लिए. धन्यवाद. सेड, वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. एकदम बॉन्ड का मूड आपने जागृत कर दिया है. धन्यवाद. धन्यवाद. आपने कहा आप जम्मू से हो? जी सर. बड़े भी वही हुए? नहीं सर, मैं पैदा जम्मू में हुआ, फिर मैं पंजाब में रहा. आई डिड माय बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. अच्छा. फिर मैं 3 साल जर्मनी में था, वहाँ आई डिड माय मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग. आई वाज देयर ऑन 100% स्कॉलरशिप. अरे वाह, क्या बात है. मेरे को एक बात बता, ऐसा प्रोडक्ट मेरे को अली एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा? सर ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट भी नहीं मिलेंगे. तो कुछ कोई ड्रिलिंग की डस्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन सर, इसका जो शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी, मैं अपनी सीलिंग पे होल ड्रिल कर रहा था, मेरी आंख में इन्फेक्शन हुई. मैं इंटरनेट पे गया सॉल्यूशंस ढूंढने, पर कोई सॉल्यूशंस थे नहीं. जो थे वो इतने बल्की थे. यार ऐसे कौन ड्रिल करता है, अपने आंख में कौन गिराता है? चलो अपनी सेल बताओ यार. सर ड्रिल डस्टर हमने 2020 मार्च में मार्केट में उतारा था. हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे, मैं बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप हूँ. 3 साल है कि नहीं? सर सेल्स है हमारे पास, बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर. कितनी सेल्स है? पिछले साल हमने 14 लाख की सेल की थी. पिछले महीने कितनी? 1 लाख के करीब होगा. 1 लाख? 12 लाख की सेल है. और क्या इन्वेंशन किया आपने? वो कप में मजा नहीं आया सर. एक और इन्वेंशन जो यहाँ पे है वो डेस्क क्लिप है. दिखाइए आप अपनी इन्वेंशन. दिखाइए सर, ये डेस्क क्लिप है सर. ये 17 से 30 mm के डेस्क पे क्लिप होता है. ऐसे बैग हैंग करने वाले आते हैं, मेरे पास बैग हैंग करने वाला है वैसे पर. या, इस पे आप बैग हैंग कर सकते हो, कुछ भी हैंग कर सकते हो, व्हाटएवर. पर ये उससे अलग कैसे है जो मेरे पास है? मार्केट में जो हेडफोन होल्डर्स या डेस्क हुक्स हैं, 2 तरह के मिलेंगे. एक स्क्रू वाले जो स्क्रू ऑन होते हैं, और एक एडिसिव टेप वाले. नहीं 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 नहीं, ऐसे वाला है मेरे पास घर पे. यू नो वो ऐसे एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे बैग हैंग कर सकते हो रेस्टोरेंट में जाके हैंग करने के लिए. आप एक चीज बताइए सेठ, आप इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं? कोई एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते जिसमें, मतलब नहीं तो आप अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं अभी? मजाक. हम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स एज सच ग्लोबल लेवल पे नहीं बनना चाहते हैं. हम अपनी इन्वेंशंस को लाइसेंस करना चाहते हैं. हम एसेंशियली IP क्रिएट करते हैं, और IP को इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, डोमेन नेम जो हमारे पास सबके हैं, हम उन्हें आगे देना चाहते हैं. सिद्धार्थ मेरे को एक बात, तू बिजनेसमैन है या इन्वेंटर? सर मैं एक इन्वेंटर हूँ. इन्वेंटर तो कोई तेरे को बोलेगा ना, तू खुद को ही क्यों बोले जा रहे हैं? सेल्फ ऑब्सेशन. तो ये तो वो बच्चों वाला है, होता ना कि मेरे को एक दिन इन्वेंटर बनना है, मैं एक दिन एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये तो वो वाली कहानी हुई. सर इन्वेंशन करना मेरा गोल नहीं है. मेरा जो मैंने अभी तेरे से पूछा, तू इन्वेंटर है बिजनेसमैन? तूने बोला मैं इन्वेंटर. इन्वेंटर इसलिए क्योंकि मेरे नाम पे 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, मतलब टेक्निकली. क्या हो गया यार? एडिसन ना, किसी एडिसन को देख के एडिसन नहीं बना था. उसके दिमाग चल रहा था कि कुछ क्या क्या बनाना है उसको, राइट, या क्या इन्वेंट करना है.
तू तो बस वॉनबी सुपरस्टार है भाई तू। Occupational wise, I'm an automotive mechanical engineer. That's who I am. That is education wise, not occupation wise. कुछ नहीं है भाई तू। क्या बना रहा है यार ये? नेहरू प्लेस की पटरी पे बिकता है 15 रुपए का। ओखला में बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग से। क्या बेच रहा है तू? तूने किसी की सीट पर बात करी जर्मनी की यूनिवर्सिटी पे? अगर तू उसके बाद ये वाले बैठ के फालतू के काम करने पे आ गया। जर्मनी में 2 साल मैं एम्स्टरडैम नहीं घूमा हूँ। मैं 2 साल 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ पढ़ाई की है। Good. मैं बहुत ब्रिलियंट लोगों में नहीं आता हूँ, बट मेहनत एक ऐसी चीज है जिस पे मैं खड़ा हूँ और जो जिसने मेरे को जो बनाया। तू अपनी डिग्री वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, अपनी जिंदगी पर बात कर रहा है। वापस अपनी डिग्री उठा, जर्मनी जा, किसी अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर और समझ के इंजीनियरिंग कंपनी धंधा कैसे करती है। आपने वो देखी है मूवी, देखी है 3 Idiots? Absolutely सर। तो आप ना दो कैरेक्टर की तरह, एक था फुनसुक वांगडू जो ऐसे प्रोडक्ट बनाता था, और एक था चतुर जी। चतुर वो था जिसने बोला था Idiots वो मैं लिख रहा हूँ और वो याद रखना। फर्क पता है क्या था दोनों कैरेक्टर में? जो एक कैरेक्टर था ना वो उसके मिशन की तरफ जाता रहा, दूसरा कैरेक्टर जो था ना वो कंफ्यूज कैरेक्टर था जो खाली पढ़ाई करता था। आपने बोला मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं ये भी बना रहा हूँ, मैं फोकस हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, इसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ। ये सभी भाई सिर्फ ये प्रोडक्ट पूरा कमोडिटाइज्ड है। दिस इज नॉट एन आविष्कार, दिस इज अ कॉपीकैट प्रोडक्ट एंड अ बैड वन। देखो यार मेरे को आप में बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे। कितना एज बताइए आप? सर 28 साल। कुछ चीज सिमिलैरिटीज है हमें, मैं इसका मतलब ये नहीं मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूं। जी जी जी। बट मैं भी बहुत पढ़ता था, मैंने भी IIT के लिए अप्लाई किया, मेरा भी IIT शायद 100-200 रैंक से रह गया। मैं भी उसके बाद बाहर गया पढ़ने, ठीक है? तो काफी सिमिलैरिटी लग रही है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब में। और परसिस्टेंट रहो आप, जो अच्छी बात है, परसिस्टेंस अच्छी बात है। और अभी तो आप यंग हो बिल्कुल यार, कुछ अलग करा है। सर ये व्हील असेंबली मशीन है, इमेजिन आपका टायर फ्लैट होता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है, जस्ट टेक इट आउट, प्लग इट विद योर व्हीकल सिस्टम जहाँ से आप एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं एंड प्लेस इट, यू रिमूव द व्हील एंड। अरे भाई ये हो चुका है यार, ये प्रोडक्ट मिलता है US में यार। सर ये एसेप्टिक नोजल है, ये पेटेंट पेंडिंग है। या पेटेंट मिलना इज नॉट सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या है ये? सर ये एक एसेप्टिक नोजल है, ये हमारे सैनिटाइजर डिस्पेंसर पे अटैच किया जा सकता है। और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं लेके गए? सर आई एम नॉट अ बिजनेस गाय, मैं एक co-founder। I don't think you're a business, आप एक tinkering lab। Tinkering बोलो तो? Tinkering मतलब छेड़खानी कर रहे हो यार। छेड़खानी कर रहे हो। अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हुआ कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट हो कि कोई खरीदना चाहेगा और अच्छी रकम देना चाहेगा। So for that reason I'm out। While अभी मैं आउट हूँ इससे, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज आपको देख के लाइक बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे कि IIT के बियॉन्ड लाइफ है, क्योंकि अभी भी फिटजी में और छोटे छोटे कोटा के इंस्टीट्यूट में बहुत लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि हमारी लाइफ खराब हो जाएगी अगर हमें IIT में नहीं मिला। तो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इंजीनियर्स आउट देयर कि उनका इंजीनियरिंग का सपना उनको छोड़ना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज दे डोंट गेट टू IIT। विनीता ने बोला कि आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, मुझे लगता है आपने बहुत लोगों को कंफ्यूज किया है। ये बिजनेस बिजनेस नहीं है, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आप अपने फेवरेट टाइप्स हो, आप इन्वेंटर भी नहीं हो, आप कुछ और कर लो या कुछ ऐसी चीज इन्वेंट करो जो दुनिया अपने आप बोलेगा आपको कि आप इन्वेंटर हो। सबने नो कर चुका है। भाई मैंने नो नहीं किया अभी। अगर आप मेरे को ये कन्विंस कर दो कि ये जो आप प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हो वो छोड़ के अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा और आप फिर 1-1.5 साल उसी पे काम करोगे, राइट, फिर आप इधर उधर नहीं होंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो ही काम करने का फायदा है। ये 11-12 कोई हमें वो थोड़ी ना बनानी है क्रिकेट टीम। जी सर मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसको आप रात के 3 बजे भी उठा के अगर बोलेंगे ये प्रॉब्लम है इसको कैसे ठीक है, मैं आपको नहीं उठा रहा रात को 3 बजे जी। तो चलो आपको ऑफर देता हूँ, थोड़ी सी ऐसी ऑफर हुई नहीं है, आपने ये अग्री किया आप बिजनेस नहीं कर सकते जी, तो मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा आप उसे इन्वेंट करेंगे, ये क्लियर है जी। मैं आपको ऑफर देता हूं 25 लाख रुपए की, 75% इक्विटी लूंगा मैं आपकी कंपनी में, आगे जो पैसा लगेगा इन्वेंशन में वो सारा मैं फंड करूंगा।
तो आपके पास 25% रहेगा, ठीक है? 75-25 उन्होंने 47 मांगा है, तो बाकी जो है वो लोन है, कंपनी को लोन है, और आगे भी जो यूज होगा पैसा वो लोन की तरह आता रहेगा, कंपनी पे बैक कर देगी इन्वेंशन मनी से। तो ये मेरा ऑफर है, नॉन नेगोशिएबल ऑफर है, बहुत ही हाई रिस्क ऑफर है, आप पे ऑफर है। अगर ये ऑफर लेना है ना, सर आपने सेम ऑफर मैं आपको देता हूं। आपने तो उसकी बेचारे को इतना डिमोटिवेट कर दिया है, मैं एटलीस्ट उसको कुछ होप तो दे रहा हूं लाइफ में। देखो मैं आपको ये सेम ऑफर देता हूं, इतनी बेइज्जती करके उस इंसान की, 65% तो आप देख लो, आपको उनके साथ काम करना है। बताओ क्या कर रहे हैं, क्यों ऑफर है ये ऑफर आपको ना, जॉब देने का ऑफर है, 25 लाख रुपए में आपको एक जॉब मिल रही है जो आपको इक्विटी के नाम से मिल कैसे रही, मिल रही है, एक्चुअली कैसे मिल रही है, अमन आई एम सॉरी, अपना बेच रहे हो, अपने 75 लाख अपना बेच अमन, लेकिन आप आउट हो, डिसीजन देखो आपका। तो आप इन्वेंशन के लिए जो प्रोटोटाइपिंग कॉस्ट या किसी भी तरह की कॉस्ट वो मैं बेयर करूंगा, पर अभी तो हम कंपनी को फंड कर रहे हैं ना 25 लाख, और 47 लाख हम फंड कर रहे हैं अभी, उससे निकलेगी ये कॉस्ट, जब बाद में कंपनी को जरूरत होगी तब हम और फंड करेंगे। तो जो ऑलरेडी इन्वेंशंस हैं ऑब्वियसली 75% कंपनी की हो गई, अब आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते उनको, ऑब्वियसली यू कांट हैव अ सेपरेट एंटिटी। जी क्या मैं सोच सकता हूं? हां जी बिल्कुल सोचो। पच्चीस लाख में उसको सैलरी भी मिलेगी, प्रोटोटाइपिंग भी होगी। आई नो ही इज गेटिंग हिम टू वर्क ऑन इन्वेंशंस, पर वो उसको थोड़ी सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। ये जो रिस्क ले रहा है ना, हम में से कोई नहीं ले रहा, तो उस डील भी उसकी है ना, डील नहीं है ये, इसको नौकरी ऑफर कर रहा है 25 लाख की, और कुछ नहीं। सर नॉन नेगोशिएबल पूरी तरह से, पूरी तरह से कहीं पे भी हम नहीं, कोई नेगोशिएशन। तो सर काम में मेरी लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होगी, क्यों? बिकॉज़ यू विल हैव कंट्रोल, राइट? तो आप कहां पे रहते हैं अभी? मैं अभी तो जम्मू में रहता हूं, बट हमारा प्लान था बैंगलोर शिफ्ट होने का। हां तो बैंगलोर शिफ्ट हुई है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं जी। उसके अलावा और कोई बाउंडेशन, और कोई कंडीशन आपकी तरफ से? और कोई बाउंडेशन नहीं यार, आप इन्वेंटर हो, आपको इतनी बाउंडेशन करेंगे तो आप अपना वजूद खो देंगे, तो डील लेके भी खो रहे हैं। सर अगर आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस है, और मुझे पता है कि बिजनेस एक्यूमेन मेरे पास नहीं है, और वो खोजने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, टाइम सबके पास लिमिटेड होता है लाइफ में, आई टेक द डील। बच्चे को लूट लिया इसने, और आपने तो बच्चे को बर्बाद ही कर दिया, ये ऐसा ही नहीं हुआ, स्लेवरी है, स्लेवरी है। मैं आपको ना इससे एक बात बोलता हूँ, ये जो सब बोल रहे ना स्लेवरी, आज से एक साल बाद आप सिंह को बताना कि आपने कितने पैसे कमाए, ठीक है? आके शार्क टैंक पे, थैंक यू सो मच, आपको सीजन 2 में बुलाएंगे, थैंक यू सो मच। ये मसीहा है, मसीहा सिद्धार्थ, ऑल द बेस्ट, डोंट टेक एनी हार्ड फीलिंग्स फ्रॉम हियर, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, एडवाइस मिली उसके बारे में रिफ्लेक्ट कीजिए, एवरीबॉडी मेंट टू गिव यू फीडबैक, ठीक है? आई विल गिव माय लाइफ टू दिस, आई गिव यू द मनी बिकॉज़ दिस इज व्हाट मैटर्स टू मी, यस, ऑल द बेस्ट, गुड लक सिद्धार्थ, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। ऐसा लगा जैसे मैं एक बहुत ही हैवी ट्रैक करके आया हूँ। अच्छी बात यह है कि पहाड़ चढ़ने के बाद एटलीस्ट मैं कुछ लेके आ रहा हूँ साथ में, मैं खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ। यू हैव द बेस्ट हार्ट इन द वर्ल्ड, आप मसीहा बनने के चक्कर में कि मैं मसीहा, मेरा अपना दिमाग है, मैं पैसे बांटूंगा, मेरे पास बहुत है, मैं दे दूंगा, नहीं, ही सॉ हिज ओन बचपन का, मैं पीयूष के साथ कनेक्ट भी करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ इवेंचुअली मेरे को उसका 5-10% ही मिलना था किसी और कंपनी से, मेरे पास 25% है उसी काम का।